तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं सिखाऊंगी आपको ऑर्गेनिक शैम्पू। इसमें कुछ भी चीजें आर्टिफिशियल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक। हर लोग, इंसान कोई भी हो या उसको मतलब डैंड्रफ है, सोराइसिस है, स्कैल्प प्रॉब्लम है, कोई भी यूज कर सकता है। स्पेशली जिसको भी ऑयल होता है, फिर बाल मतलब चिपचिपे होते हैं और डैंड्रफ होता है, डस्ट जाता है, बाल चिपचिप हो रहे हैं, मतलब धोते हो और 1 घंटे के बाद फिर चिपचिप होते हैं, तो उसके लिए रामबाण शैम्पू होने वाला है। इसके लिए आपको लेना है 100 ग्राम रीठा पाउडर और शिकाकाई पाउडर लेना है और आंवला पाउडर लेना है। आंवला पाउडर इसमें 200 ग्राम लेना है और शिकाकाई पाउडर इसमें 300 ग्राम लेना। और लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें मुल्तानी मिट्टी 10 ग्राम और 10 ग्राम मेहंदी यूज करेंगे और 5 ग्राम हम चारकोल पाउडर यूज करेंगे। चारकोल पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, मेहंदी चाहिए तो आप, अगर खाज खुजली ज्यादा ही है तो इसमें आप नीम पाउडर भी 5 ग्राम ऐड कर सकते हो। ऐसे मिक्स करके रख लेना है। आप 6 से 1 साल तक ये शैम्पू आराम से यूज कर सकते हो, 6 महीने से 1 साल। अगर 6 से 1 साल बोला तो फिर कमेंट आ जाएंगे, दीदी क्या बोला, हमको तो समझ ही नहीं आया। तो वीडियो कैसा लगा? बनाना ऑर्गेनिक शैम्पू, घर पे ही बनाना, लाखों के पैसे बच गए, लाखों के बाल बच गए, सुंदर दिखने वाले हो, तो उसी खुशी में एक कमेंट, एक लाइक, शेयर और वीडियो सेव करके रखो ताकि आप भूल ना जाओ कैसे बनाया जाता है। चलो मैं मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, बाय बाय।